हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो कॉस्ट का पेपर था एटी केटी का सितंबर का, थोड़ा खतरनाक आया, एकदम बेकार पेपर दिया उन लोगों ने, ऑप्शन भी नहीं दिया पलंग के साथ। तो पहले उल्टा स्टार्ट करता हूँ। तो ये बच्चा बच्चे लोग शॉर्ट नोट्स आया था, बेंच मार्किंग, पी वी रिशू। तो इधर आप लोग ने तीन टॉपिक लिखा रहेगा, प्रोडक्ट अनसर्टिफाइड लिखा रहेगा, विजेस ब्रेक इवन पॉइंट लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब चार शॉर्ट नोट में थे, तीन तुम्हारा शॉर्ट नोट 15 मार्क मिल गया। फिर 10 मार्क के ये दो सब इजी थे बच्चों लोग, जैसे हम लोग ने वीडियो में सॉल्व किए थे ना, बस फॉर्मा डाल के तुमको आ जाने का था। ये भी नकली समता, सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देने का था। लेबर का फॉर्मा था, ये मार्जिनल का था। तो इधर तुमको अच्छा मार्क्स मिल सकता था, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट का था, ठीक है। अभी मैं चेंज करता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन में जो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 4th आया था, मार्जिनल और स्टैंडर्ड, तो ये पैराग्राफ वाला था, तुमको टेबल बनाने का था, आउटपुट क्वांटिटी निकालने का था, ये मार्जिनल का था। मतलब ये फॉर्मुला बेस्ड सम था, 20 मार्क का ये वाला सॉल्व किया था। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का समय है बच्चों लोग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन सा समय अपने को मालूम है क्या? एस्टिमेटेड वाला है, तो अपने नॉर्मल वाला किया था। पर इसके ऑप्शन में तो आप लोग ने ये नहीं सॉल्व किया रहेगा, अपने क्या किया रहेगा बच्चों लोग? प्रोसेस कॉस्टिंग किया। क्या किया? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये देखो, तो आपने ये वाला सम सॉल्व कर दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस वाला सेम सम था, जैसे मैंने कल सॉल्व करा था ना, डुक्टो सेम था, सिर्फ नंबर चेंज करके आया था बच्चों लोग, एकदम नकली सम था। तो ये जो बच्चे ने किया तो पास हो जाएगा, प्रोसेस किया ना, मतलब ये तुम लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला सम था। फिर सबसे खतरनाक जो बेकार आया ना, वो ये आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाला टॉपिक आएगा एग्जाम में, दोनों ऑप्शन में आएगा, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला आया था। तुमको लेजर बनाने का था बच्चों को, लेजर एक इधर आया और एक मतलब इधर आया, मतलब सेम क्वेश्चन में साला यही दे दिया इधर। तो अभी बच्चे लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों ने मार्जिनल स्टैंडर्ड किया था और कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रोसेस किया था, 20 मार्क इधर सबका छूट गया। अभी जो बच्चे ने किया वो बहुत स्मार्ट रहेगा, पास हो जाएगा। और सबसे मेन खतरनाक था साला ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में उन लोगों ने ऑप्शन ही नहीं दिया ना यार, ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अभी तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने ना 12 ऑब्जेक्टिव्स उसका आंसर लिख लिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये उसका आंसर है, ठीक है। मैंने जैसे आया था पेपर सॉल्व कर लिया था। तो फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव वर्क इन प्रोग्रेस, सेकंड का वेजेस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था जिसमें ऑप्शन भी नहीं दिया उन्होंने, ऑप्शन भी नहीं दिया, ऑप्शन भी नहीं दिया, तो इधर ही भारी पड़ गया। तो जो बच्चा समझा वो तो ठीक है। तो पहले का ऑप्शन वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरे का वेजेस, फिर 3.5 लाख गेन, 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 8% कॉस्ट, MCV, प्लानिंग, दोनों में कॉस्ट ड्राइवर आ रहा था, ठीक है। तो इधर 10 मार्क मिल सकते हैं, और ट्रू ऑफ फॉल्स था तुम्हारा, ट्रू फॉल्स, ज़्यादा करके फॉल्स ही सेंटेंस था तुम्हारा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉस्ट का पेपर। अभी जो नेक्स्ट का इको का पेपर है, मैंने सब अपलोड कर दिया हूँ, आपका काम अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो होगा अच्छे के लेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।